सो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आप सभी को राधे राधे। सो गाइस, बारिश 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा हो रही है और ठंडा इतना मौसम हो गया है, तो चलो बनाते हैं कुछ गर्मा गर्म। और मैं किसी और की रेसिपी ट्राई करूँगी। आज मैं बनाऊँगी अपने भाई की रेसिपी जो मेरे को सिखाया था आदर्श ने सिखाया था मेरे को कटलेट्स बनाना शादी से पहले 11 मंथ पहले मेरे को सिखाया था कि कैसे कटलेट्स बनाते हैं। तो चलो आज आदर्श की रेसिपी ट्राई करते हैं। सो गाइस, हमने सारी चीज़ें रेडी कर ली है और मैंने आलू पहले उबाल लिया है। ये देखिए आलू रेडी हो गया है, तो चलो फटाफट से आगे रेसिपी बढ़ाते हैं। सो गाइस, फाइनली आलू मैंने छील लिया और मैं इसको कर रही हूँ मैश। फिर करते हैं मसाला रेडी, फिर बनाते हैं क्रिस्पी क्रिस्पी। सो गाइस, ये अच्छी तरीके से मैश हो गया। चलो फटाफट से मसाला तैयार करते हैं। ये मैंने रख दिया कढ़ाई, इसमें डाल दिया थोड़ा सा ऑयल। ये सारे रहे मसाले, थोड़ा सा सरसों ऐड करेंगे हम। सो गाइस, हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता। हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। थोड़ा चटकने देते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मिर्ची। थोड़ा भून लेते हैं ताकि टेस्ट अच्छा आए। अब मैं ये सारे मसाले ऐड करती हूँ। ये है कश्मीरी लाल मिर्च, ये है गरम मसाला, थोड़ा सा और मसाला ऐड करेंगे, और ये है अमचूर पाउडर जो कि खट्टा मीठा अच्छा टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे हल्दी, और इसको हम चलाते हैं थोड़ा सा, पकाते हैं मसाले को अच्छे से। हम इसमें ऐड करेंगे अब अपना उबला हुआ और मैश किया हुआ आलू। इसको अच्छे तरीके से मिलाएंगे हम थोड़ा। ये हमारा मसाला थोड़ा थोड़ा रेडी हो गया है। अभी इनको और थोड़ा चीज़ ऐड करना है, तो चलो फटाफट से ऐड करते हैं मूंगफली जो मैंने पहले से ही भून भूज के रख दिया था। आप इसमें हरा मटर भी ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ धनिया। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी क्रश करके। हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। मसाला रेडी हो गया है, अब चलो फटाफट से बनाते हैं कटलेट्स। तो गाइस, फाइनली मसाला वगैरह रेडी हो गया। अब हम इसको दे रहे हैं कटलेट्स का शेप, तो चलो फटाफट से पहले कटलेट्स का शेप बना लेते हैं, फिर आगे इसको कैसे बनाते हैं आप लोग देखते रहिए वीडियो और एंजॉय करते रहिए।
सो गाइस ये सारी चीज़ें बन के रेडी हो गई हमारे कटलेट्स और हम इसको बनाने जा रहे हैं। सो गाइस ये है आरा रोट, मैं इसको अभी घोल रही हूँ और मैंने ये रख दिया है पैन, हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। चलो फटाक से इसको पहले घोल लेते हैं। सो गाइस फाइनली सब रेडी हो गया, चलो फटाक से छानते हैं। पहले मैं इसको इसमें थोड़ा सा लगाऊंगी, इसमें कॉर्न को आरा रोट को अब इसमें हम डिबोएंगे। ये रही से नहीं, अब इसमें हम डाल के इसको लगाएंगे ताकि अच्छी तरीके से सब पकड़ ले। ये देखिए ये कटलेस, अब इसमें हम डालेंगे। इसी तरीके से सारा बनाएंगे। ये आदर्श का रेसिपी है गाइस और उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आलू वाला चीज़ उसको ज़्यादा पसंद है। आलू की पूरी हो गई और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसको आलू की पसंद आती है और मुझे बताया था कि इस तरीके से बनता है, तो मैं आज ट्राई कर रही हूँ बनाने के लिए। तो गाइस फाइनली हमने डाल दिया सारी चीज़ें और देखिए कितने अच्छे तरीके से पक रहा है, देखते हैं कि इसका टेस्ट और क्रिस्पी बनता है कि नहीं। सो गाइस ये बनके रेडी हो गया हमारा कटलेट्स और ये मैंने निकाल भी दिया। ये है टमाटो केचप और ये है सेजवान चटनी और ये रहा हमारा कटलेट्स। कैसा है लग रहा है, कैसा रेडी हुआ है, तो इसको टेस्ट करके देखते हैं। सो गाइस मैं ये सर्व कर दी हूँ पति देव को और वो देख रहे हैं टीवी। देव कटलेट्स रेडी है। बढ़िया बना है। थैंक यू। सो गाइस हमारा कटलेट्स रेडी हो गया और देख लिए आपने, पतिदेव को दे दिया। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।